इसलिए क्योंकि ढोल बज रहा और वो बच्ची ना हो जो सुनती और बोलती नहीं उनके लिए। ये काम आप देखो, ये काम है, ये वो लोग अगर वो दूर से देख रहे एंजॉय कर रहे बच्चे उनको भी हमारे साथ बुलाएं, ये सब एक ही है। तो प्लीज आप लोग बेटा आप लोग आ जाए और मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे साथ जरा ताली बजा देंगे तो मैं अब पार्टियों के मुकाबला होगा। आ जाए जी आ जाए और हमारे साथ जरा सा बैठेंगी तो चाहे वो जब यकीन करे वो जब यूं ही बोलती है तो मेरा तो दिल ऐसे बंद होने लगता है। मैं कहती हूँ यार पता नहीं इनकी क्या फीलिंग है। आ जाए आ जाए आ जाए वेलकम वेलकम सो स्वीट थैंक यू सो मच। हम लोग वेलकम करते हैं भाई आप जाए ना दूल्हा आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट आ जाए बैठो आप यहाँ पे बैठो सॉरी मैं आपके साथ बैठती हूँ। इस वक्त हम लोग जरा सा एडजस्टमेंट करेंगे ठीक है आप लोग बैठ बैठ जाए आप बैठ जाए और आप ये बेटा मुझे आओगे मेरे पास आओ अच्छा ये बच्ची भी बोल नहीं सकती है ये बच्ची भी मैं इनके इवेंट में गई थी और बेटा आप लोग जैसा यूं बैठे जैसे आप उस तरफ हो ताकि इनको भी वो कैमरे सबके सर वहाँ जा रहे वो नहीं आ रहे और जरा गुड़ी आप पीछे यस अच्छा ये चले चले वो एडजस्ट हो जाएगा हम लोग जिस तरह भी बैठ जाएंगे तो मसला नहीं। अच्छा ये वो बच्ची हैं जो ये बच्ची क्या नाम है अच्छा ये और ये दोनों बोल नहीं सकते कैसा लग रहा है ओके आप ये मैरिड है ओके इनसे मैरिड से बात कर रहा हूँ ओके कल फिर आना इनको बोलना अच्छे से बरात के रेड कपड़े पहने दूल्हा क्यों इनको दूल्हा भी रेडी हो जाए उसके बाद हमने दूल्हे को भी बुलाना है दूल्हा भी कपड़े पहन ले जल्दी जल्दी क्योंकि अभी तक दूल्हा ये सोच रहे कि अच्छा अच्छा ठीक है अभी गाना भी गाएगा आप गाना सुना के जैनब 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 मेरी बेटी का नाम भी जैनब है जैनब। इसके बाद दूल्हे की रस्म होगी तो अभी दूल्हा भी थोड़ी देर मुकाबला होगा मेरी फुप्पो आ रही थी अच्छा अल्लाह ना शुक्र है बच गए बच अच्छा हां मैंने कहा कह रही थी कि बेटा मुझे मेहंदी में जा रहे हो वहां पे तो लड़के वो लड़कों वाला मुकाबला होगा ये रेलवे के अंदर इंटरव्यू देने गया जॉब के लिए अच्छा उन्होंने एक बात दो तीन सवाल आपसे पूछते हैं अगर फर्स्ट करें एक ही ट्रैक पे जैसे ट्रेन आ रही हो जी जी और जैसे भी ट्रेन आ रही हो आप क्या करोगे मैं दौड़ के जाऊंगा सिग्नल वाले को बुला के लाऊंगा सिग्नल वाला ना हो मैं पटरी बदलने वाले को ले वो भी ना हो कह रहे मैं अपनी फुप्पो को ले आऊंगा ट्रेन की टक्कर देखने का शौक मैं क्या बेचारे की कितने दिन रहेगा बेचारे इतनी उम्र होगी फुप्पो की उनकी शौक काफी उम्र होगी बेचारों की जी जी है ये कोई होगी मुझसे दो साल बड़ी है फुप्पो मेरी फुप्पो में दो साल आगे पीछे हुए मैंने सुना था कि जो जो लड़के वाले हैं वो बड़े पावरफुल हैं बड़े गाने और बड़े मुकाबले वाले कहाँ हैं वो लोग ओए ओए अल्लाह ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं दिल निकल जाएगा गाना नहीं को कुछ नहीं मेरी बहन बैठी मेहंदी लगा रहे सुनी सुनी हो रही कुछ देखे आपसे डर के आपने बताया मैं बचपन में बदमाश भी था हाँ वो तो बस खाली भरा ना वो तो बदमाश क्या बच्चों को ऊपर वाले चॉकलेट छीन गाना हो जाए अभी गाना अच्छा अभी अभी डांस होना चाहिए आप लोगों को जी होगा अच्छा अभी हम ढोल मुझे ही बजाना पड़ रहा है तो गलत भाई कोई लड़की तुम लोगों को ढोल नहीं बजा रही आ जाओ जल्दी से कम 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 आ जाओ भाई इसी दिन मैं मुझे बहुत परेशानी होती है ओ गुरु जी शुक्र है मेरे हाथ को जरा सा तसल्ली कुछ गाना सोचे अच्छा सा लोचे अच्छा आप ढोलक हाथ लो गाना ही आया क्या आप गाना देखे गाना कौन सा आ रहा है क्या बात है चले आप देखिए आप ढोलक आते आगे ये देखो आम आदमी गाने की शुरू एक दो तीन है मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी शादमानी हो शादमानी शादमानी हो शादमानी है मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी शादमानी हो शादमानी शादमानी हो शादमानी देखो मेरी आंखों में है डोरे गुलाबी मैं तो नहीं पीता हुआ फिर भी शराबी प्यार का नशा चंदा से बाबी भैया राजा लेके आगे आ गया परियों की रानी शादमानी हो शादमानी शादमानी हो लेते हैं ब्रेक और चलते हैं ब्रेक के बाद